मैं आपकी जयश्री अयंगार, परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। आए दिन अखबारों में हम देखते हैं कि लोगों की अगर भीड़ कहीं चल रही है तो वो साधु संत और बाबाओं के आश्रमों की ओर। इसका कारण क्या हो सकता है? एक कि मोक्ष की प्राप्ति करना आजकल के पीढ़ी का एक मुख्य उद्देश्य बन गया है। वह उद्देश्य सही है या गलत है, यह तर्क करना बहुत ही कठिन है। फिर भी हम देखते हैं समाज में लोग उसकी ओर ज्यादा बढ़ते नजर आते। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये हम नहीं जान रहे हैं, पर मोक्ष प्राप्ति हर कोई चाह रहा है। हमारे पूर्वजों ने पहले के जमाने में रखे थे कि चार अवस्थाएं रखी थी, जैसे कि बाल्यावस्था थी, और फिर वही कुमार अवस्था में थी, फिर वह ब्रह्मचार्य के पालन के बाद वह वैवाहिक जीवन में बंधा जाता था, और फिर संन्यास आश्रम की ओर वह अनायास चला जाता था। यह पद्धति बड़ी सार्थक थी और समाज उसका पालन करता था। लेकिन आज हमारे दिनचर्या के जीवन में इन साधु संतों की या सत्संग की जो भावना हरेक के मन में घर कर गई है, इसका कारण है अशांति। मन में एक अजीब सा तनाव, एक घुटन, और लोग सोचते हैं कि बाबाओं के आश्रमों में जाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। वास्तव में यह सही नहीं है। अगर कहीं शांति प्राप्त हो सकती है तो अपनी जिम्मेदारियों को पहले हमें निभाना होगा। जो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है वह कभी शांति पा नहीं सकता है। हम देखते हैं वृद्धाश्रमों की संख्याएं बढ़ रही हैं, अनाथाश्रमों की संख्याएं बढ़ रही है, इसके पीछे का यही उद्देश्य है। देखे हैं कई ऐसे लोग जो घर में बूढ़े माता पिता को छोड़कर वृद्धाश्रम में सेवा करते नजर आते हैं। क्या ये सही है? रुपये की दौड़ में आदमी पागल होता जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कर रहा है। तो हम जो कमा रहे हैं और जिसकी हम आशा कामना कर रहे हैं, क्या वास्तविकता में हम उसके धनी हैं? क्या हम उसके मालिक हैं? कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि डीवी गुंडप्पा ने कहा है कि आप जो आहार, जो अन्न का कण ग्रहण करते हो, वह आपने कमाया हुआ है। क्या वह आपके पसीने की कमाई है? वह अपने आप से सवाल पूछिए, और अगर इसका उत्तर हाँ है तो फिर हम खुश हो जाते हैं, अगर इसका उत्तर नहीं है तो फिर बाबाओं के जो आश्रम लगे हुए हैं वहां पर तो भीड़ कभी कम होने से रही हुई है। मनुष्य को पैसा कमाना चाहिए, कितना? जितना हमें चाहिए। पुराण कथा में एक कथा है, धर्मव्याद की कहानी है, जो मांस बेचता था और शिकार करके वह मांस बेचता था, अपने लिए जितना चाहता था उतना रख देता था, बाकी का सारा के सारा बांध देता था। ये कहानी हमें बताती है कि मनुष्य को लोभी नहीं होना चाहिए, अपने पेट के लिए, अपने लालन पालन के लिए जितना रखना चाहिए उतना रख लेना चाहिए। लेकिन आज समाज विरुद्ध दिशा में दौड़ता नजर आ रहा है और उसे लग रहा है कि वह इन पापों को, इन कर्मों को, किए हुए गलतियों को वह इस तरह से आध्यात्मिकता की ओर जाकर या पूजा पाठ की ओर जाकर इन पापों से वह मुक्ति पा सकता है। और इसी का फायदा उठाकर आज समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े साधु बाबा, ढोंगी बाबा इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन समाज यह नहीं जान रहा है कि वह भ्रष्ट हो रहा है, उसे लग रहा है कि वह पाप और पुण्य कमा रहा है। पाप पुण्य की चिंता तो उसे होती है जो अपने कर्मों से च्युत होता है, जो अपनी रोजी रोटी कमाता है उसे पाप और पुण्य की कोई चिंता नहीं होती है। तो मैं इसमें यह बताना चाहती हूँ कि अपना परिवार, अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास जितने लोग हैं
उनको जितना हो सके उन्हें संतुष्ट रखने की कोशिश कीजिए। घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग छोटे सबकी जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। उनके मन को दुख मत पहुंचाइए। उससे बड़ा और आध्यात्मिक कार्य कोई हो नहीं सकता है। अगर पुण्य कमाना चाहते हो तो वह घर में ही कमाइए। बाहर जाकर पुण्य कमाना तो यह मॉल में चीज खरीदने के समान होता है। धन्यवाद।